गुरु नानक जयंती के इस पाक दिन पर 12:30 बजे से गुरु का लंगर स्टार्ट होने वाला है। लंगर बनाने तो 12 बजे शुरू होगा, रात 12 बजे सब फ्रेश फ्रूट मिक्स उत्तपा डोसा मिक्स भजिए 5 किस्म के, लाइव काउंटर भी लगेगा, लाइव काउंटर 5 किस्म के भजिए, स्नैक्स 100 किलो छोले 100 किलो दाल 100 किलो छोले 100 किलो दाल 200 लीटर दूध की खीर, खीर बन रही है, खीर बन रही है ना, अभी टाइम लगेगा। दाल मखनी, दाल मखनी ये कितने 100 किलो 100 किलो पनीर 100 किलो पनीर 120 किलो चावल 5 लीटर ऑयल एक किलो लहसुन अच्छा इसे डाल करना है पूरा, फिर इसमें प्याज जीरा सब डलेगा सामान जी। ये कितने देर तक भूनना होगा? ये जब तक प्याज ब्राउन हो जाएगा, ब्राउन ना हो जाए। लहसुन गया था बॉबी भाजी, अभी क्या ये अदरक, ये अदरक का पेस्ट जाएगा। अदरक थोड़ा भुन जाएगा, इसके भुनते भुनते ही मैं लाल मिर्च डालूंगा, ये क्वांटिटी ज़्यादा है तो मिर्ची भी ज़्यादा ही जाएगी। तड़केदार बन रहा है आपका, और ये 1 किलो होगी लाल मिर्च, 1 किलो लाल मिर्च, ये हल्दी जाएगी, अभी जा रही है हल्दी, 200 ग्राम हल्दी और 1 किलो लाल मिर्च, और अब जा रहा है धनिया पाउडर, धनिया पाउडर 200 ग्राम धनिया पाउडर जा। पानी डालो इसमें, टाइट हो गया। नमक ही डाला मैंने अभी, हाँ नमक ही डाला, अभी अभी तक नहीं डाला। नमक डाल दूंगा तो क्या होगा, जो प्याज है वो पानी छोड़ देगा अपना, वो क्रंचीनेस ही रहेगी। तड़का थोड़ा भुनूंगा, टमाटर जब डल जाएगा उसके बाद नमक डालूंगा। पानी भरा, मतलब क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तड़का बॉबी पाजी इतना तड़केदार मार रहे, मेरे आंखों से पानी निकलना शुरू हो गया है। टमाटर का पेस्ट, तो तकरीबन 20 किलो टमाटर का पेस्ट, गरम मसाला ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा गरम मसाला, हल्का सा डालो, तकरीबन 20 ग्राम डालो,
20 ग्राम, बट क्या होगा जब आलू थोड़ा सा बॉईल करूँगा तो उसके अंदर डालूंगा वो भी एक। तो आलू बॉईल करने के टाइम पे भी अब आप उसमें भी गर्म मसाला डालो जी। खुशबू आ गई। दो पैकेट के बड़े वाले नमक बोलते हैं स्वाद अनुसार है, बट बड़ा इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है ये। आग बंद करके डालते हैं, अंदाजा है, अंदाजा है। ऊपर ऊपर उठा ले। 100 किलो आलू गोभी बन रही है, इसके ऊपर रख देंगे, उसका तड़का लग रहा है। बस बस अच्छा, ये आपने इसके लिए रखा था गरम मसाला। अब आलू में जो आपने बॉइलिंग टाइम पे रखा था, फ्लेवर्स पकड़ लिया, अब सारे फ्लेवर्स पकड़ेगा ये जगह। सौ किलो आलू है। कम ऑन रोहित कर, रोहित पिश कर। ओ ओके डन। अब ये अब गोभी डाल डाल भाई जी, ये कितने देर मिक्स करना होगा? बस 5 मिनट का काम है ये, इसके बाद गोभी डाल दूंगा इसके अंदर। अच्छा, 5 मिनट पहले आप मिक्स करोगे इसे उबाल के, हाई फ्लेम पे उबाल रहा है। पानी थोड़ा उड़ जाए इसका ना, पानी उड़ेगा फिर गोभी डाल दूंगा जो फ्राई करी हुई है पूरी। थोड़ा तेल सेपरेट होना स्टार्ट होगा। हाँ, आलू गल गया वैसे तो। ऐसी तरी छोड़ दिया ना पूरा उन्होंने। हाँ, सिर्फ रेगुलर फ्राई है कुछ? हाँ, ये विदाउट सॉल्ट ना? विदाउट सॉल्ट डीप फ्राइड है। डीप फ्राइड है। ये और कितने देर कुक करना है? बस हो गया, मैं बंद कर रहा हूँ इसे। अच्छा, 2 मिनट बंद कर रहा हूँ। आगे गोभी भी होगी मिक्स, बड़ी अच्छी लग रही है, देख के समझ आ रहा है कि बड़ा अच्छा लग रहा है। काली मिर्च, हरी मिर्च? नहीं। हाँ, पीछे लस्सी बन रही है कितनी? 100 किलो दही की लस्सी बन रही है। रजनीश बंद कर दे। अनिवार्य है कि खाना ही है। और अब ये 12:30 किया। हाँ, 12:30 बजे अब जाते, तैयार होते हैं घर जाके। 12:30 बजे लंगर स्टार्ट होने वाला। आ जाओ सारे, आ जाओ। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। आओ, वर्सोवा गुरुद्वारे साहब आओ, मुंबई के अंदर है, मुझसे मिलो जरूर आके, साथ लंगर छकेंगे। तो बस एक ही दिली इल्तिजा है आप सभी लोगों से कि इस वीडियो को आप जरूर सभी तक पहुंचाइएगा। स्प्रेड पॉजिटिविटी, स्प्रेड लव एंड हैप्पी गुरु नानक जयंती।
दिन पूरे जितने गरीब आदमी जितने अनाथ बच्चे हैं उन सब के लिए खाना गुरुनानक जयंती पे सुबह से लेकर रात तक पूरा खाना जाएगा और परमात्मा की दया से गुरुनानक की आशीर्वाद से जितने बच्चे जितने सीनियर सिटीजन जितने डॉक्टर जितने पेशेंट जितने वॉचमैन जितने रिक्शा वाले इन सबको दो साल से खाना जा रहा है सात बंगला गुरुद्वारे से ये संगत की मेहरबानी से परमात्मा की आशीर्वाद से संगत की मेहरबानी से सुबह से शाम तक इतना अनाज सामान इकट्ठा होता है जिसका कोई हिसाब नहीं है और हमारी कोशिश होती है कि सुबह से लेकर आज तक 24 घंटे कोई आदमी भूखा नहीं जाए और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे कि खाना जाए। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।